अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर लुकमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मेडिकोस। तो आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे और यह है कास्टिंग टेक्निक्स इन ऑर्थोपेडिक्स। बिल्कुल बेसिक्स हैं ये ऑर्थोपेडिक्स के कि किस तरह से किस फ्रैक्चर में हमें बैक स्लैब लगानी होती है, कब हमें जो है वो बडी स्ट्रैपिंग करनी होती है, कब हमें जो है वो थंब स्पाइका लगाना होता है। तो ये डिफरेंट हम कास्टिंग टेक्निक्स को इसके अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। कास्टिंग क्या होती है? इट इज़ अ मेथड ऑफ टेम्प्ररी इमोबिलाइजेशन ऑफ अ लिम्ब फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस। यानी कि ये इमोबिलाइजेशन का एक तरीका है बहुत सारी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के लिए, ना सिर्फ बोन्स के लिए बल्कि अदर डिसऑर्डर्स लाइक टेंडन, मसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। यानी कि जब भी हम किसी पेशेंट के अंदर कास्टिंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फ्रैक्चर हो, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई मसल इंजरी है या कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, ऐसे में भी कास्टिंग की जाती है। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है कास्ट और दूसरा होता है स्प्लिंट। जो हम ज़्यादातर कॉमनली इमरजेंसीज में यूज़ करते हैं वो स्प्लिंट होता है, जिसको हम बैक स्लैब का नाम देते हैं लेमेन टर्म के अंदर। तो देखते हैं कि कास्ट क्या होता है। इट इज़ अ सर्कमफेरेंशियल इमोबिलाइजर विच सराउंड द होल सर्कमफेरेंस ऑफ द लिम्ब। अगर यहाँ देखा जाए तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि होल सर्कमफेरेंस, पूरा सर्कुलर मैनर के अंदर पूरी की पूरी सर्कमफेरेंस ऑफ द लिम्ब को पीओपी से कवर किया गया है। जबकि स्प्लिंट की अगर बात करें, ये एक ऐसा इमोबिलाइजर है विच ओनली सपोर्ट द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द लिम्ब। यानी कि होल सर्कमफेरेंस नहीं बल्कि हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस को ये कवर कर रहा है और ये मोस्टली इमरजेंसीज के अंदर यूज़ होता है। इसको हम आम जबान में बैक स्लैब भी कहते हैं। तो कास्ट के फ़ायदे क्या होते हैं, यानी कि जो होल सर्कमफेरेंस का, ये बहुत ही इफेक्टिव इमोबिलाइजेशन का तरीका है। इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं डिस्प्लेसमेंट के। देन स्प्लिंट, इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन सम केसेस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इंटरनल फिक्सेशन फॉर इनिशियल सपोर्ट ऑफ द अफेक्टेड फिक्स्ड लिम्ब। जैसे कि किसी की भी ऑरिफ परफॉर्म किया या कोई भी इंटरनली फिक्सेट किया है किसी बोन को, तो उसके बाद उसको इनिशियली कुछ पोस्ट ऑपरेटिव डेज में उसे सपोर्ट देने के लिए भी कास्टिंग की जाती है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि कास्ट जो है वो बेटर इमोबिलाइजेशन तो करवाता है लेकिन बट एज आर लेस फॉर गिविंग एज इट डज नॉट अलाउ फॉर स्वेलिंग। ये स्वेलिंग को अलाउ नहीं करता। जब भी फ्रैक्चर हो या कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो तो फिजियोलॉजिकली नॉर्मली उसके बाद स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो ये उसको ज़्यादा स्वेलिंग नहीं होने देता और उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा होल सर्कमफेरेंस को जब कवर कर रहा होता है, होल ऑफ द लेग या होल ऑफ द आर्म को, तो उसमें कंप्रेसिव फोर्सेस ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं। अगर स्वेलिंग हो जाए वो ये जो कास्ट होता है ये एज अ कंप्रेशन के तौर पर काम करता है और उसकी वजह से फिर कंपार्टमेंट सिंड्रोम का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कास्ट के अंदर एज कम्पेयर टू स्प्लिंट। और ये इरिटेटिंग मटेरियल है स्किन के लिए और इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट कंपैरेटिवली स्प्लिंट यानी कि बैक स्लैब के कंपैरेटिवली कास्टिंग के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशंस के। स्प्लिंट की अगर बात करें तो ये काफ़ी सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू कास्ट। ये स्वेलिंग को अलाउ करता है, इसमें कोई कंप्रेसिव फोर्सेस नहीं होती क्योंकि आधा हिस्सा वैसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। पीओपी सिर्फ एक साइड से अप्लाई करते हैं एंड गिव द चांस फॉर फॉलोइंग अप द वोंड इन कंपाउंड फ्रैक्चर्स एंड इंसीजन इन पोस्ट ऑपरेटिव इंटरनल फिक्सेशन। यानी कि आप पेशेंट को आराम से फॉलोअप कर सकते हैं अगर वोंड पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो अगर उस साइड को आप छोड़ दें तो आप वोंड को आराम से देखते रहते हैं और पेशेंट को फिर इमोबिलाइजेशन भी साथ साथ होती रहती है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं स्प्लिंट के, ये लेस इफेक्टिव है इमोबिलाइजेशन, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपने सिर्फ एक साइड को कवर किया होता है इसके अंदर पीओपी के साथ। अगर मटेरियल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास दो किस्म का मटेरियल होता है, एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, यहाँ आप देख सकते हैं, और दूसरा फाइबर ग्लास मटीरियल जो कि कास्ट के अंदर यूज़ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, पीओपी बैंडेज जो है वो रोल ऑफ मुजलिन से बना होता है जिसके अंदर डेक्सट्रोज या फिर स्टार्च होता है, इम्प्रेगनेटेड विद द हैमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। बेसिक जो कंपोनेंट है वो इसका कैल्शियम सल्फेट है। जब उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो वाटर को ले लेता है और क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये इसका रिएक्शन है, हैमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है, इसमें जब वाटर ऐड हुआ तो इसमें से हीट रिलीज होती है, दैट्स वाई ये बाद में जिप्सम बनता है हाइड्रेटेड होके और हीट रिलीज होती है, इसीलिए ये जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये हमने बता दिया, इसीलिए पेशेंट को हीट फील होती है जब भी आप किसी को कास्ट अप्लाई करते हैं। अब इसमें दो टाइम इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है सेटिंग टाइम यानी कि जब वो पाउडर फॉर्म से क्रिस्टल्स बनते हैं उसे हम सेटिंग टाइम कहते हैं और ये 3 से 9 मिनट होता है, जबकि ड्राइंग टाइम क्या होता है कि क्रिस्टल फॉर्म से एनहाइड्रस यानी कि ड्राई होता है उसे हम ड्राई टाइम कहते हैं, ये 24 to 72 आवर्स इसका ड्यूरेशन है।
एडवांटेजेस क्या होते हैं कास्ट के, जो हम POP यूज़ कर रहे हैं उसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, नॉन एलर्जिक है, और इसको हम आराम से डिफरेंट शेप्स में इसको जो है वो मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसकी शेप्स को, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये रेडियो ओपेक, सो मे ऑक्लूड द फ्रैक्चर लाइन्स, यानी कि अगर किसी पेशेंट को आपने POP अप्लाई कर दिया है, उसके बाद आपने उसका जो है वो एक्सरे करवाया है, तो मे बी उसकी जो अगर हेयर लाइन या इस तरह के छोटे मोटे फ्रैक्चर हों वो ऑक्लूड हो सकते हैं, वो विजिबल मे बी ना हो। ये लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये हैवी होता है इसका मटीरियल, ये आराम से ब्रेक डाउन हो सकता है अगर कम इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर, क्योंकि हमने पहले कहा है कि ये हेमी हाइड्रेट है कैल्शियम सल्फेट का, जब इसमें अगर वाटर इसको हमने एक बार तो वो जो है डिप करते हैं इनिशियली, लेकिन उसके बाद अगर इसके ऊपर वाटर जाता है तो फिर ये इजीली ब्रेक हो सकता है। दूसरा हमारे पास था फाइबर ग्लास मटेरियल सिंथेटिक, ठीक है, ये आपको दिख रहा है फाइबर ग्लास। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये लाइट वेट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसको एक साथ अगर हम वाटरप्रूफ लाइनर लगा दें तो इससे स्विमिंग और बाथिंग की जा सकती है, जबकि जो हमारे पास POP प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला कास्ट है उसके साथ आप स्विमिंग या बाथिंग नहीं कर सकते। ये रेडियो लूसेंट होता है देन द प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसके साथ इमेजिंग में यानी कि इसमें आपकी फ्रैक्चर लाइन ऑक्लूड नहीं होती। इसके अंदर कम मटेरियल रिक्वायर्ड होता है और बहुत कम चांसेस होते हैं थर्मल इंजरी के, जबकि हमने पहले देखा था कि POP के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, थर्मल इंजरी का खतरा होता है, जबकि फाइबर ग्लास में ऐसा नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, इसको मोल्ड करने में, इसकी शेप चेंज करने में डिफ़िकल्टी होती है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड और स्टिफ होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है प्रेशर और कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंब हो सकता है। इसको रिमूव करने के लिए भी आपको प्लास्टर कटिंग मशीन चाहिए होती है, बहुत डिफ़िकल्टी से इसको रिमूव होता है। यूजेस क्या होते हैं कास्ट के, पहले भी मैंने बताया है कि कास्ट का मतलब ये नहीं है कि हर हाल में फ्रैक्चर में ही कास्ट किया जाए, अगर तो पेशेंट को जो है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो या फिर आपको रेस्ट देना हो तो ऐसी कंडीशन में भी, जैसे कि यहाँ देखें कि टू सपोर्ट द फ्रैक्चर्ड बोन्स, कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ फ्रैगमेंट एंड रेस्टिंग द डैमेज टिश्यूज, स्टेबलाइज एंड रेस्ट द जॉइंट्स इन लिगामेंटस इंजरीज के अंदर, और सपोर्ट करता है, इमोबिलाइज करता है जॉइंट्स को, और पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग में भी ये हेल्प करता है, और किसी डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए, जैसे हमारे पास टेलीपीस इक्वाइनोवेरस यानी कि जो क्लब फूड होते हैं उसमें भी हम कास्टिंग करते हैं, टू इंश्योर रेस्ट ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यूज और पेन रिलीफ। ये इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं कास्ट के। जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द गुड एनाटॉमिकल फ्रैक्चर अलाइनमेंट, आप फ्रैक्चर को आराम बिल्कुल अच्छे तरीके से अलाइन करें एक्सेप्टेबल एंगुलेशन के साथ, डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर की साइड कौन सी है, आपको फिक्स करना चाहिए जॉइंट को अबव और जॉइंट बिलो द इंजरी। फॉर एग्जांपल फोर आर्म का फ्रैक्चर है तो आप रिस्ट जॉइंट को भी कवर करें कास्ट करते हुए और उसके साथ साथ एल्बो जॉइंट को भी, यानी कि अबव और बिलो दोनों जॉइंट को कवर करें। स्टेबल फ्रैक्चर्स जो हैं वो जनरली री इवेलुएटेड विद इन 1 वीक फॉलोइंग द कास्ट एप्लीकेशन टू असेस द कास्ट फिट एंड कंडीशन एंड परफॉर्म रीसेंट रेडियोग्राफ स्टडीज टू मॉनिटर द फ्रैक्चर अलाइनमेंट। मतलब ये है कि जो नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर होते हैं आपने उसका फॉलोअप लेना है विद इन 1 वीक और दोबारा से एक्सरे करवा के देखना है कि फ्रैक्चर अलाइंड हुआ है या नहीं। डिस्प्लेस फ्रैक्चर्स को क्लोज रिडक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है, फॉलोड बाय पार्शल, उसके बाद आप उसकी कास्टिंग करें और पोस्ट रिडक्शन कि फिर उसका एक्सरे भी परफॉर्म करें कि बोन अलाइनमेंट हुई है या नहीं, ठीक है। अगर तो नहीं हुई डिस्प्लेस फ्रैक्चर के अंदर तो आपने उसे अर्जेंट री रिडक्शन करवानी है और फिर री अप्लाई करना है कास्ट को, दोबारा से लगाना है और प्रिपेयर करना है फॉर ऑपरेशन के लिए पेशेंट को, ये डिस्प्लेस फ्रैक्चर्स के अंदर। प्री कास्टिंग प्रोसीजर क्या होता है, बिफोर अप्लाइंग एनी कास्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस बनी होनी चाहिए कि फ्रैक्चर किस जगह का है, उसे किस तरह से ठीक करना है। न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कास्ट करने से पहले कि कहीं कोई आर्टरी इन्वॉल्व तो नहीं है फ्रैक्चर के अंदर और उसके साथ साथ कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट या नर्व इंजरी तो नहीं है, ठीक है। एनी वुंड्स शुड बी अप्रोप्रिएटली कवर्ड विद अ स्टेराइल ड्रेसिंग, आपने गॉज रोल से उसको पहले सिक्योर करना है, कोई अगर वुंड या ब्लीडिंग वुंड है आपने एसेप्टिक मेजर्स के साथ, देन उसके ऊपर आपने कास्ट अप्लाई करना है। आपने सारी सप्लाइज को रेडी रखना है और पेशेंट को काउंसिल करना है अबाउट द कास्ट। पैडिंग क्या होती है, पैडिंग ये होती है जो हम लेंटर कॉटन यूज़ करते हैं, ठीक है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल विद 50-50 ओवरलैपिंग करते हैं। ये इस तरह से होती है कि आपने जो लेंटर कॉटन यूज़ करनी है वो इस तरह से आपने एक लेयर दी, फिर जो दूसरी लेयर होगी वो 50% कवर करेगी फर्स्ट पहले वाली लेयर को, तो रूल ऑफ 50-50 इसमें यूज़ करना होता है और हम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल जाते हैं। आपने एक्स्ट्रा पैडिंग करनी होती है एल्बो और हील्स के ऊपर। वन शुड बी जेनरस ओवर द बोनी प्रोमिनेंसिस, ठीक है, बहुत ही टाइट करके नहीं बांधना, आराम आराम से बांधना होता है।
और पैडिंग यूज़ करते हैं बिटवीन द डिजिट्स व्हेन अप्लाइंग स्प्लिंट और व्हेन गोइंग बडी स्ट्रैपिंग। ठीक है, आप जब बडी स्ट्रैपिंग पर करते हैं पेशेंट को, ये अब हम देखेंगे आगे कि ये क्या होती है, उस केसेस में आपने आपने उसमें दो फिंगर्स के बीच में जो है वो पैडिंग करनी होती है। जैसे ये दो फिंगर्स हैं, इसमें भी कॉटन लगा के फिर इसके ऊपर स्ट्रैपिंग करनी होती है। नॉट टू अप्लाई टू टाइटली, आपने बहुत टाइट नहीं रखना। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ कास्ट, सबसे पहला तरीका ये होता है, पहला स्टेप कि सरकमफेरेंशियल एप्लीकेशन करनी है आपने कॉटन पैडिंग की। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये जो है वो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता, आपको फुट साइड से अपवर्ड जाना होता है। ठीक है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल जाना होता है। और 50-50 का रूल, यानी कि एक लेयर को दूसरी लेयर जो है वो 50% कवर करे। तो ये पहला स्टेप है, आपने पैडिंग करनी है। दूसरा स्टेप क्या होता है आपने, कि आपने POP जो होता है वो लगाना है दो जॉइंट्स को कवर करते हुए। आपके साइज़ अगर देखा जाए, ये 8 इंच का है फॉर थाई, 6 इंच है ये लेग के लिए, और ये 4 इंच का है फॉर फोर आर्म। ठीक है, आपने 6 डबल लेयर्स बनानी होती हैं फॉर अपर लिम, और 8 डबल लेयर्स बनानी होती हैं इसकी फॉर लोअर लिम। स्टेप थ्री क्या होता है कि एप्लीकेशन आपने लास्ट में उसमें अप्लाई कर देना है, ऊपर POP अप्लाई करना है या फिर फाइबर ग्लास अप्लाई करना है, और फिर लास्ट में आपने उसके ऊपर क्रैप बैंडेज अप्लाई करनी होती है। ये भी हम कब करते हैं, इसमें अगर देखा जाए थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें उंगलियां जो है यानी कि डिजिट्स जो हैं वो विजिबल होने चाहिए कैपिलरी रिफिल को चेक करने के लिए। ठीक है, तो आपने ये फुल कवर नहीं करना होता, क्रैप बैंडेज सिर्फ आप यहाँ से यानी कि फैलिंग्स और जो आपके मेटाटार्सल होते हैं वहाँ के जॉइंट तक, मेटाटार्सो फैलेंजल जॉइंट से नीचे करना होता है ये अप्लाई क्रैप बैंडेज। अच्छा, पोस्ट कास्टिंग प्रोसीजर क्या होता है, आपने पेशेंट को न्यूरोवास्कुलर स्टेटस लाजमी देखना है, रेंज ऑफ मोशन जो नॉन कास्टेड जॉइंट्स हैं उनका लाजमी देखना होता है, कहीं जॉइंट की मूवमेंट्स तो लिमिट नहीं हो गई आपके कास्ट अप्लाई करने से। फिर आपने पेशेंट को मेडिसिन देनी होती हैं, पेन किलर और एंटी एडिमेटस लाइक बेंजन वगैरह है या फिर एनसेड्स देनी है। ठीक है, आपने रीचेक एक्सरे लाजमी करना होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कास्टिंग से, प्रेशर सोर्स हो सकते हैं, डर्माटाइटिस एलर्जी हो सकती है, कास्ट ब्रेकडाउन हो सकता है, स्किन बर्न एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से, न्यूरोलॉजिकल इंजरीज हो सकती हैं, जॉइंट स्टिफ हो सकते हैं, और कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। अपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन क्या देनी है फॉर कंपार्टमेंट सिंड्रोम, 5 P's बताने होते हैं कि अगर पेशेंट को पेन इतना सीवियर हो जितना कि उसको एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर भी नहीं हुआ था, तो आपने फौरन इस कास्ट को रिमूव करना है। प्रेशर अगर आपको लगे कि बहुत टाइट बांधा गया है, ठीक है, पैरास्थीजियाज आपको टिंगलिंग या बर्निंग या फिर प्रिकलिंग सेंसेशन आ रही है जैसे सुइयां चुभ रही हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपने कास्ट को खुद से रिमूव करना है। पल्सलेसनेस आपकी जो है वो पल्स वीक या एबसेंट हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में, और पैरालिसिस हो गई है, वीकनेस हो गई है विद मूवमेंट। पैरालिसिस तो ये बात की चीज़ें हैं, इनिशियली पैरास्थीजियाज और पेन बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट को, तो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बहुत चांसेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, और ये कास्ट के अंदर जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो स्प्लिंट होता है या बैक स्लैब, उसमें कम चांसेस होते हैं। अपर एक्सट्रीमिटी में जो हम स्प्लिंट या बैक स्लैब्स यूज़ करते हैं, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे, ये डिफरेंट है, शोल्डर और आर्म के लिए कौन सा है, एल्बो के लिए, फिर फोर आर्म और रिस्ट के लिए, हैंड्स के लिए कौन सा होता है, तो एक एक करके सबको देखते हैं। शोल्डर से स्टार्ट लेते हैं, जब भी आपका ये है फिगर ऑफ 8, अगर आप देखें तो पीछे 8 का फिगर बना हुआ है, जब डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स होते हैं आपके क्लेविकल के, तो ऐसी कंडीशन में आपने फिगर ऑफ 8 बैंडेज करवाना होता है। ठीक है, अब स्लिंग एंड स्वैथ, स्लिंग एंड स्वैथ अगर आप ये देखें तो ये आपका स्लिंग एंड स्वैथ है, इसको पॉली स्लिंग भी कहते हैं। स्वैथ और स्लिंग, पॉली स्लिंग से ये थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है कि ये इसके एक जो है वो आपका ये स्लिंग आ रहा है जो कि आपने बिल्कुल आपके नेक के अराउंड जो है वो घूम रहा है, ये आपका स्लिंग है, और ये स्वैथ है। स्वैथ से क्या होता है कि शोल्डर की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है जो कि चेस्ट को कवर कर रहा है और बैक से आ रहा है। ठीक है, तो ये जब भी शोल्डर और ह्यूमरल इंजरीज होती हैं हम स्लिंग एंड स्वैथ यूज़ करवाते हैं। यू स्लैब कास्ट क्या होता है, जब शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के फ्रैक्चर होते हैं, नाम से पता चल रहा है यू शेप है ये। ठीक है, तो आपने अप्लाई करना होता है, इसमें क्या होता है, ये इट इन्वॉल्व्स अ प्लेसमेंट ऑफ वेल मोल्डेड प्लास्टर स्लैब फ्रॉम द एक्सिला अराउंड द एल्बो एंड ओवर द डेल्टॉइड विद द एल्बो फ्लेक्स टू 90 डिग्रीज, कॉलर एंड कफ सस्पेंशन स्लिंग भी साथ में हम इसके देते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें, इनिशियली आपने क्या करना होता है इसके अंदर, वही आपने सबसे पहले आपने इसमें कॉटन लेंटर कॉटन, उसके बाद आपने यू स्लैब, यानी कि अगर इस पिक्चर में आप देखें तो इस तरह से करना होता है कि आपने एक्जिला की यानी कि इमीडियली यहाँ से आना होता है, और एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्स है तो एल्बो के नीचे से आते हुए और इसको इस तरह से कवर करना है, और देन उसके ऊपर आपने क्रैप बैंडेज अप्लाई करना होता है, तो ये पूरी की पूरी यू शेप बन जाती है यहाँ से, इस तरह से मीडियल साइड
साइड ऑफ एक्सिला से और लैटरली यहाँ से, ठीक है। और फिर उसके ऊपर क्रैप बैंडेज लगा देते हैं। जब शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के फ्रैक्चर होते हैं फिर लास्ट में आपने स्लिंग लगाना होता है, तो ये यू स्लैब है। लॉन्ग आर्म पोस्टीरियर क्या होता है, आप देख सकते हैं कि ये जब रेडियस और अल्ना के फ्रैक्चर होते हैं ऐसे केसेस में, ये आपकी क्या है लेंटर कॉटन है और ये आपकी क्या है आपका पीओपी मटेरियल है, ठीक है। आपने इस तरह से इसको बैक स्लैब लगाना है। ये लॉन्ग आर्म पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे लग रहा है, ठीक है। अब शुगर टोंग स्प्लिंट क्या होता है, एक होता है हमारे पास सिंगल शुगर टोंग स्प्लिंट जो कि एक्यूल डिस्टल रेडियस एंड अल्नर फ्रैक्चर्स में होता है, और एक होता है हमारे पास डबल शुगर टोंग स्प्लिंट जो कि एक्यूट एल्बो एंड फोर आर्म के फ्रैक्चर्स में होता है, और नॉन डिस्प्लेस्ड कॉलीज फ्रैक्चर के अंदर भी हम डबल शुगर टोंग स्प्लिंट करते हैं। सिंगल शुगर टोंग स्प्लिंट अगर मैं इसकी पिक्चर दिखाऊँ तो जो शुगर टोंग होता है इस तरह से, ये जो आपके शुगर क्यूब्स के लिए या उठाने के लिए यूज़ होता है बिल्कुल इसी शेप का ये होता है, ये आपके रेडियस और अल्ना के फ्रैक्चर्स में यूज़ होता है, और ये एल्बो को अराउंड एल्बो के अराउंड से होता हुआ, यानी कि एक वोलर एस्पेक्ट इसका और फिर यहाँ से घुमाते हैं इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म पे, तो इस तरह से ये सिंगल शुगर स्ट्रॉन्ग स्प्लिंट है, ठीक है। अब डबल जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, ये कोलीज फ्रैक्चर में किया जाता है और दूसरा जो है वो एक्यूट डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर में, ये रहा आपका, ठीक है। एक तो आपने कर दिया उसका वोलर एस्पेक्ट और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म, और दूसरा जो है वो आपके अराउंड द आर्म है, ये तो फोर आर्म के अराउंड था और ये एक आर्म के अराउंड है मीडियल टू लैटरल एस्पेक्ट, ठीक है, इस तरह से। तो ये डबल शुगर स्ट्रॉन्ग स्प्लिंट है। अब आ जाते हैं हम इसकी फोर आर्म पे ऊपर, वॉलर फोर आर्म स्प्लिंट क्या होता है या कॉकअप क्या होता है, कॉकअप स्प्लिंट क्या होता है, ठीक है। ये जब डिस्टल फोर आर्म के फ्रैक्चर्स होते हैं यहाँ के बिल्कुल एंड के, और या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम जिसको होता है, ठीक है, ऐसे, या फिर रिस्ट की इंजरीज हैं, या सेकेंड टू फिफ्थ मेटाकार्पल फ्रैक्चर्स हैं, ये रेडियल नर्व पाल्स ये, तो इसमें हम वोलर एस्पेक्ट यानी कि इसमें बैक स्लैब नहीं है, इसमें एंटीरियर स्लैब है, ठीक है। इस कंडीशन में हम एंटीरियर स्लैब पीओपी मटेरियल आगे की तरफ होता है सिर्फ। अब आते हैं हमारे पास हैंड या फिंगर्स के अंदर, इसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास, अगर फेलेंजियल या मेटाकार्पल फ्रैक्चर्स हो, जब बॉक्सर्स फ्रैक्चर हो आपका, यानी कि अगर फिफ्थ मेटाकार्पल फ्रैक्चर जो होता है उसे हम बॉक्सर्स फ्रैक्चर कहते हैं, बॉक्सर्स के अंदर बहुत कॉमन होता है, इसमें हम अल्नर गटर स्प्लिंट करते हैं, यानी कि पीओपी मटेरियल सिर्फ हम अल्नर साइड पे करते हैं, यानी कि मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म पे लगाते हैं। और रेडियल गटर स्प्लिंट क्या होता है कि इसमें हम रेडियल एस्पेक्ट यानी कि इसके लैटरल एस्पेक्ट, अगर हम इस पोजीशन में आर्म को रखें, ठीक है, अगर इस पोजीशन में रखें तो यहाँ से ये जो होगा आपका मीडियल साइड है, यहाँ अल्नर गटर स्प्लिंट, और यहाँ जो थंब वाली साइड है यहाँ रेडियल गटर स्प्लिंट, ठीक है। पीओपी मटेरियल सिर्फ एक तरफ से लगता है, तो अगर जो है वो फेलेंजियल और मेटाकार्पल और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं इंडेक्स और मिडल फिंगर की, तो इसमें हम क्या करते हैं रेडियल गटर स्प्लिंट। और अल्नर में क्या होता है, जब फिफ्थ मेटाकार्पल फ्रैक्चर्स होते हैं या बॉक्सर्स फ्रैक्चर भी कहते हैं, ठीक है। अल्नर गटर ये देख रहे हैं आप, इसकी बिल्कुल अल्नर साइड से है, और ये बॉक्सर्स फ्रैक्चर अल्नर गटर स्प्लिंट है, और ये आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडल फिंगर, ठीक है, ये रेडियल गटर स्प्लिंट है। ये थंब स्पाइका है, थंब स्पाइका क्या होता है, जब आपका क्या होता है फर्स्ट मेटाकार्पल का या थंब के फैलेंग्स का फ्रैक्चर होता है, ऐसे केसेस में हम थंब स्पाइका यानी कि बिल्कुल सिर्फ यहाँ पर हमने लगवाया है पीओपी मटेरियल, ठीक है। अब आ जाते हैं फिंगर स्प्लिंट्स, ये डायनेमिक स्प्लिंट होते हैं, इसको हम इसमें बडी स्ट्रैपिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब आपके फेलेंजियल फ्रैक्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इस उंगली का फ्रैक्चर है, आपने करवाना ये होता है कि यहाँ वेडिंग या फिर आप पैडिंग करवाते हैं कॉटन मटेरियल लगा के, ताकि मॉइस्चराइजेशन जो है वो ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब हो जाए, और उसको फिर पूरा आपने कवर बैंडेज करवा देते हैं, तो इसको हम कहते हैं बडी स्ट्रैपिंग या फिंगर स्प्लिंट्स। अब आ जाते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के फ्रैक्चर्स में क्या क्या करना होता है, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं, हिप थाई फिर नी फिर एंकल और फिर फुट के देख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है वॉन रोजन स्प्लिंट, ये आपके पास जब कुछ बच्चों के अंदर कंजनाइटल डिसलोकेशन होती है, ये कंजनाइटल हिप डिस्प्लेजिया भी कहते हैं इसको, इसमें हम ये स्प्लिंट यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके जो हिप जॉइंट होता है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता, तो इसमें हम जो है वो ये अगर देखें ये क्रॉस शेप ये बना हुआ है, ठीक है, ये हम उसकी बैक पर लगाते हैं बच्चे की, तो उसके जो हिप जॉइंट है वो आहिस्ता आहिस्ता जब तक ग्रो नहीं करता ये उससे लगाते रहते हैं, ठीक है। ये थॉमस स्प्लिंट है, ये ट्रैक्शन स्प्लिंट होता है, जब आपके फीमर के शाफ्ट के फ्रैक्चर्स होते हैं उसे ऑपरेशन के लिए तो रेडी करते ही हैं पेशेंट को, ठीक है, लेकिन ये है कि इनिशियली फर्स्ट एड देने के लिए हम उसे ये ट्रैक्शन स्प्लिंट देते हैं। ये आप देख लें, ये जो है वो बिल्कुल इसके लास्ट में एक पुली क्रिएट करते हैं, और यहाँ से ये जो रस्सी बंधी हुई है इसको खींचते हैं, तो ये बिल्कुल इससे न्यूरोवैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ के चांसेस कम होते हैं, तो ये फीमर के फ्रैक्चर्स के अंदर हम थॉमस स्प्लिंट यूज़ करते हैं। ये बॉहलर ब्राउन स्प्लिंट होता है, फीमर का फ्रैक्चर कहीं का भी हो, ये पुराने ज़माने में यूज़ होता था, ठीक है। यहाँ से एक वेट, ये एक किस्म की एक मशीन या डिवाइस है,
तो यहाँ से देखें कि यहाँ से ये खींच रही है, आपका ये फीमर का फ्रैक्चर है और यहाँ से फुल ये इस पुली से खींचा जा रहा होता है और यहाँ वेट लटक रहा होता है, तो उससे ये होता है, इसमें भी न्यूरोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ कम होता है, तो ये भी पहले यूज़ किया जाता था। अब आ जाते हैं बिलो नी कास्ट, ये कब करते हैं, जब टिबिया के फ्रैक्चर हो या फिर एंकल डिसलोकेशन या एंकल के फ्रैक्चर्स हो या फिर मेटाटार्सल फ्रैक्चर्स हो, तो हम जो कास्ट करते हैं वो बिलो नी कास्ट करते हैं। एंकल जो है वो 90 डिग्री पे इमोबिलाइज रखना होता है, फुट मस्ट बी प्लांटर फ्लेक्स होना चाहिए, ठीक है, फिर आपने जो है वो मिड ऑफ लेग तक जाना होता है बिल्कुल बेस ऑफ टोज से लेकर, और फिर उसके बाद उसको आप क्रैब बैंडेज कर देते हैं। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि क्रैब आपने जो है वो बैक स्लैब या फिर स्प्लिंट कैसे लगाना होता है, कभी पेशेंट के ऊपर मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप ये देखें तो ये बिलो नी कास्ट है, ठीक है, आपने फुट के बिल्कुल बेस से स्टार्ट लिया और नी जॉइंट से नीचे तक। अब आ जाते हैं नी स्प्लिंट, नी इंजरीज जब होती हैं या फिर प्रॉक्सिमल टिबिया के या फिर यहाँ के प्रॉक्सिमल एरिया के फ्रैक्चर्स होते हैं, फिबुला या टिबिया के फ्रैक्चर्स, इसमें फुली एक्सटेंड करते हैं नी को और अबव द नी जॉइंट हम चले जाते हैं, ये नी स्प्लिंट कहलाता है, ठीक है, ये भी एक नी स्प्लिंट है एक्सटर्नली। ये आपके पास आ जाता है एंकल स्प्लिंट, इसमें क्या है, पोस्टीरियर एंकल स्प्लिंट होता है, इसमें पोस्टीरियर एंकल स्प्लिंट में क्या है, ये एक किस्म की बैक स्लैब है जो बिलो नी ही है। डिस्टल जब टिबिया फिबुला के फ्रैक्चर्स हो या फिर स्प्रेन हो, डिसलोकेशंस हो टार्सल मेटाटार्सल की, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, ये आपका जो बैक स्लैब मटेरियल है या पीओपी है बिल्कुल बैक से यहाँ अगर देखें तो, ठीक है, उसके ऊपर फिर क्रैप बैंडेज की भी है। आपका स्टिरअप स्प्लिंट क्या होता है, ये जो है वो सिमिलर होता है पोस्टीरियर स्प्लिंट के ही, यानी कि बैक स्लैब के ही, लेकिन जब अनस्टेबल एंकल के फ्रैक्चर्स हों ये तब यूज़ किया जाता है। इसमें इन्वर्जन और रिवर्जन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है इससे, फिर अगर ये स्ट्रेन, इसमें ये होता है कि आपने बैक स्लैब की तरह नहीं होता, ये मीडियल टू लैटरल, यानी कि ये अगर लेग की मीडियल साइड है और फिर ये लैटरल, इस तरह से इसको कवर करना होता है, ये पोस्टीरियर नहीं है, ये मीडियल टू लैटरल कवर होता है इसके अंदर, जब अनस्टेबल एंकल के फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये करना होता है। स्टिरअप स्प्लिंट ये वही है, ठीक है। फुट में क्या है, डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, टेलीपीस इक्वाइनोवेरस के अंदर, यानी कि क्लब फुट के अंदर ये जो है वो यूज़ किया जाता है, इसे हम डेनिस ब्राउन स्प्लिंट कहते हैं, ये बना बनाया आजकल मार्केट में मिलता है, ठीक है, ये भी वही चीज़ है आपने, ठीक है। क्लब फुट में इनवर्ड हुए होते हैं फुट पेशेंट के, तो हम इसमें फिर आउटवर्ड कर देते हैं इस स्प्लिंट के थ्रू। बडी स्ट्रैपिंग क्या होती है, पहले भी हमने देखा फिंगर में भी की जाती है, जब इसमें भी आपके जब फैलेंग्स के फ्रैक्चर्स होते हैं, इसी तरह से फुट में भी, अगर एक फॉर एग्जांपल अगर इस फुट की किसी एक फिंगर का फ्रैक्चर है, फॉर एग्जांपल यहाँ फ्रैक्चर है, तो जो नॉर्मल वाली साथ वाली होती है इसमें थोड़ा सा कॉटन पीस रखते हैं जिसको हम वेडिंग कहते हैं, ठीक है, या पैडिंग कहते हैं, और उसके ऊपर फिर हम बैंडेज कर देते हैं ताकि ये मैसरेशन ना हो जाए दो फिंगर्स के बीच में, ज़ख्म ना हो जाए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए और ह्यूमिडिटी कम करने के लिए, पर स्ट्रैपिंग 4 to 6 वीक्स के लिए ये कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे फिंगर के और फैलिंग्स के फ्रैक्चर्स हील होते हैं। तो ये डिफरेंट कास्टिंग टेक्निक है, ये भी वही है, ये इसको हम बैडिंग कहते हैं और ये उसके बैंडेज हुई है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कास्टिंग टेक्निक्स, बिल्कुल बेसिक्स हैं ये ऑर्थोपेडिक्स के, एटलीस्ट हर हाउस ऑफिसर को, हर डॉक्टर को ये नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं और कौन से फ्रैक्चर में हमें जो है वो किस टाइप का कास्ट करना होता है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।